यस, आज जो है पूरे मुल्क में जो है मुस्लिम खुवातीन, मुस्लिम मस्तूरात जो है उनका जो है मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। उनका गुस्सा है कि तीन तलाक बिल जो है वो जो है पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये का शरीयत के खिलाफ है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये शरीयत के खिलाफ है, हमें मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं। हम भारत के संविधान का पूरा पूरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी शरीयत है उसमें जो तीन तलाक का जो मुद्दा है उसके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। हम सब बहनें सिर्फ उसी के खिलाफ खड़ी हुई है। जो तीन तलाक का बिल है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जैसा कि आपने अभी बताया कि हम मोदी सरकार, कोई भी सरकार उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो संदेश पहुंचे, कहना चाहेंगे कि वो भी मुस्लिम खुवातीन की जो है रिस्पेक्ट करें और जो तीन तलाक बिल जो है वापस ले। जी, वो वापस ले और हम वो मुस्लिम जो खुवातीन है उनकी रिस्पेक्ट करें, जैसे हम भारतीय कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो सरकार है वो हमारे धर्म की भी रिस्पेक्ट करे। जैसा कि टेलीविजन पर जो है डिबेट होता है, कुछ महिलाएं जो है मोदी सरकार या उनके फैसले के पक्ष में जा रही हैं, क्या लगता है कि वो शरीयत के खिलाफ है या इस्लाम के कानून की जानकारी उनको नहीं? नहीं, वो शरीयत के खिलाफ है, लेकिन हम नहीं मान सकते कि ये मतलब वो बहनें किस हिसाब से आ रही हैं और कैसे आ रही हैं या वो बिकी हुई औरतें हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी बहनें हजारों की तादाद में पूरी इंडिया में जो है, इसलिए हम लोग आगे आ गए हैं कि चार औरतों की बातें सुनकर, और आप इस कानून को लागू कर रही हैं, गलत है। आप सभी औरतों की बातें सुनिए और उसके बाद आज जो है पहली बार जो है इतिहास रचा है मुस्लिम महिलाओं ने। मुस्लिम खुवातीन, मुस्लिम मस्तूरात जो है कभी भी रोड पर नहीं आते, लेकिन आपकी हक की लड़ाई के लिए आपके काम मतलब तीन बिल जो है, तीन तलाक बिल जो है कैंसिल कराने को लेकर आज सड़कों पर उतरी है। अगर खुदा ना खास्ता सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो अगला कदम जैसे जो है कि अब जो है पार्लियामेंट के चुनाव भी आने वाले हैं, भुगतना पड़ेगा कि सरकार। जी हमारी, जी जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा और हमारी जो जी है लड़ाई है वो जारी रहेगी सरकार की, क्योंकि हम अपनी शरीयत के खिलाफ कोई भी बात को मंजूर नहीं करेंगे। थैंक यू।